सकते हो, उसको कीजिए ना। चाय ये रही ठंडी हो गई पूरी हमारी चाय, आप उसको कीजिए ना चाय गर्म करके दे दें। एक्चुअली वीडियो शूट हो रही थी ना तो ठंडी हो गई। हाय गाइस, वेलकम टू माय चिश ब्यूटी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? एंड आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए हैं वीडियोस को देखकर, वेडिंग की वीडियोस। एंड ऑलमोस्ट सारी वीडियो मैंने डाल दी है, अब फ्री हो गई हूँ मैं। बस अब मुझे वेडिंग की वीडियो अब नहीं लेनी है, बिकॉज मुझे अपनी खुद की वीडियोस इतनी सारी मेरे माइंड में था, वो सब आपके साथ शेयर करना है वन बाय वन। तो वो वीडियोस आएंगी एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो आएगी, बिकॉज अब इस मेरे व्लॉग चैनल के ऊपर है ना मेकअप वीडियोज़ भी आएंगी, ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस आएंगी। एंड जो भी मैं चीज़ खरीदूंगी, जो भी चीज़ लूंगी, वो हॉल्स वीडियो करूंगी आप लोगों के लिए। एंड इसके अलावा प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी आपको दूंगी यहाँ पर ही, है ना। एंड इसके अलावा और क्या चाहिए आपको, कोई मोटिवेशन लेना है मुझसे तो वो भी दूंगी। एंड स्किन केयर की वीडियोज़ भी आएंगी और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी। आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप सिखाऊंगी, किस तरह से मेकअप करती हूँ मैं। एंड मैंने इतने टाइम से जो मेकअप मैंने किया है ना, रियली मैंने खुद से ही सीखा है। एंड मुझे क्या क्या चीज़ें मतलब पता चल गई है कि इसको लगाने से क्या होगा, अगर ये छुपाना चाहते हैं तो क्या करना है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे ये समझ लीजिए एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं आपके साथ वो सब शेयर करूँगी इस व्लॉग में। एंड अब बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, जो कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगी। एंड आप लोग मेरे चैनल पर आएओगे ना तो आप कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे, तो मैं आपको एवरी व्लॉग में कुछ ना कुछ सिखा कर भेजूँगी, ठीक है। एंड ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने आज, और ऑलमोस्ट आपको सारी वेडिंग की मिल गई है। अब हम लोग जो है अपना बात करेंगे, मैं और आप लोग, है ना। एंड कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास जो है मैंने लिए हैं, खरीदे हैं, कुछ पीआर में मिले हैं, तो उन सब के बारे में मैं आपसे बात करूंगी वन बाय वन, आपको बताऊंगी, बिकॉज विंटर स्टार्ट हो गया है ना, तो आप लोग भी नए नए प्रोडक्ट अपने लिए खरीदेंगे। तो आप लोग ज़रूर मुझसे, है ना, ज़रूर आप कमेंट करिए कि दी इस प्रोडक्ट का आप रिव्यू कर दो, अगर आप वो प्रोडक्ट जानना चाहते हैं। और अगर मैंने उसे यूज़ किया है तो मैं पक्का आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि आपको वो ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं भी जब कोई चीज़ खरीदती हूँ ना, तो मैं उसके बारे में अच्छे से सर्च करती हूँ, देखती हूँ, फीडबैक्स देखती हूँ कि हाँ उस पर कितने स्टार हैं, उसको कितना फीडबैक मिला है, है ना, क्या रेटिंग मिली है, प्रोडक्ट कैसा है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट है, क्या इंग्रेडिएंट नहीं है, ऐसे इंग्रेडिएंट या ऐसे केमिकल्स तो नहीं है जो कि हमारी स्किन को या हमारे हेयर को, है ना, हार्म कर देंगे। तो सब कुछ देखने के बाद में ही मैं प्रोडक्ट को लेती हूँ। तो आप लोग अब मतलब आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा जब आप मुझे बोलेंगे और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी ना, तो आप लोग जल्दी से जाकर उसको बाय कर सकते हैं। एंड मुझे ऑल स्किन टाइप पता चल गया, कौन सी स्किन टाइप को कौन सी चीज़ लगानी चाहिए, है ना, कौन सी नहीं लगानी चाहिए, मतलब बहुत सारा लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो बस आप लोगों के लिए वन बाय वन मैं व्लॉग्स लेकर आऊँगी, और बहुत ही अच्छे अच्छे लेकर आऊँगी, ठीक है। एंड अभी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी जा चुकी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ली हैं, नई ली हैं, न्यू बाय की है वेडिंग के दौरान, है ना, तो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। ओके, अब मेरी आ गई है चाय, तो मैं पीती हूँ चाय। एंड बहुत दिन से मैं व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी अपनी टी। एंड ये ठंडी हो गई थी, बिकॉज मैं ऑलरेडी दो वीडियो शूट करी है मैंने, एंड उस वक्त ये पूरी ठंडी हो गई, तो मैंने इसे फिर से गर्म करवाया है। एंड अब मैं चाय को थोड़ी सी कम कर रही हूँ, बिकॉज आप लोग मुझे बोलते हो ना कि दी आप मतलब बहुत ज़्यादा चाय पीते हो, बहुत ज़्यादा। आई नो मैं बहुत पीती हूँ, एंड मुझे चाय पीनी बहुत पसंद है, है ना, जबकि चाय हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। मुझे ये भी पता है कि हमारे हेल्थ के लिए चाय अच्छी नहीं है और चाय नहीं पीनी चाहिए, है ना, क्योंकि मैंने इसके अंदर इसके ऊपर पूरा एक अच्छे से पढ़ा है कहीं पे, बहुत सर्च किया मैंने, और सर्च करके मैंने इसके बारे में पढ़ा ना, तो लिटरली मतलब ये समझ लो कि चाय हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। बट जो हमारी आदत हो गई है ना, अब इस आदत को कैसे छोड़ेंगे, धीरे धीरे जाएगी, एकदम से तो नहीं जाएगी। अगर एकदम से छोड़ूंगी तो सिर्फ हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, वो सारी, फिर हम एकदम लेज़ी हो जाएंगे, कुछ काम नहीं होगा। तो इसलिए धीरे 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 कम करेंगे। और वैसे अभी तो विंटर है, तो अभी तो जो भी हो सके आनंद ले लेना चाय का, है ना, अदरक वाली चाय, काली मिर्च डाल के, अदरक डाल के, थोड़ा सिनेमन डाल के, बहुत ही अमेजिंग लगेगी मसाला चाय। आप लोग भी बनाना, पीना ज़रूर, ठीक है। तो ये आ गई है चाय, इसको पीते हैं। एंड बहुत सारी मैंने चीज़ें मंगाई, पता है विंटर के लिए मैंने इतने सारे क्लॉथिंग मंगाए हैं, जैकेट्स मंगाए हैं, मास्क मंगाए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे, एंड स्कार्फ्स मंगाए हैं,
और वेडिंग के वेडिंग नहीं सॉरी विंटर के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें मंगाई है एंड सारी बाय की है मैंने, है ना। जो पीआर में मुझे मिलेगा ना तो मैं आपके साथ ज़रूर बताऊंगी, ये मुझे पीआर में मिला है, है ना। एंड जो मैंने खुद से मंगाई है वो भी मैं आपके आपको बताऊंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। तो आज थोड़ी सी चिटचैट वीडियो है, फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। एंड हाँ, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग जाकर आप कौन कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है ना आप लोग फेस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम है ना, चाहे स्किन केयर से रिलेटेड हो, हेयर से रिलेटेड मत पूछना प्लीज़, क्योंकि हेयर की जो भी वीडियो है ना वो सब मेरे चिश ब्यूटी व्लॉग्स चिश ब्यूटी चैनल पर ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। एंड आप लोग वहाँ पर जो भी है वो वहाँ पर जाइए, वहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको वहीं मिलेगा, ओके, चिश ब्यूटी चैनल पे। यहाँ पर हम इससे बालों के अलावा हम लोग सारी बातें करेंगे, ओके। तो उसमें आपको जो भी आप फेस कर रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, डीपिगमेंटेशन, तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कैसे पिगमेंटेशन को हटानी है, क्या करना है आपको। प्रॉपर स्किन केयर आपके साथ शेयर करूंगी, मॉर्निंग का, नाइट का, मैं क्या यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन है ना इतनी हेल्दी कैसे बनी, वो सब कुछ शेयर करूंगी, ओके। बिकॉज आप लोग सब मेरी बहुत ही प्यारी वाली सिस्टर हो, बहनें हो, एंड आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना आप लोग मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। एंड हाँ, आप लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं वो भी बताइएगा। अभी मुझे इतना अच्छा लगा था, इतनी मैं खुश हो गई थी ना जब मैंने एक वीडियो अभी डाली थी, हाँ, अमेज़ॉन हॉल किया था मैंने चिश ब्यूटी चैनल पर थोड़े दिन पहले ही, मतलब आई थिंक एक हफ्ते पहले किया होगा, है ना। तो उसके अंदर मैंने अपने सारा विंटर जो स्किन केयर मंगाया वो आपके साथ शेयर किया, एंड काफ़ी ने मुझे कमेंट किया आके कि दी हम भी ये यूज़ करते हैं, दी आप है ना, जैसे मैंने उसमें बोला था मैं प्रेयर्स का जो है सॉप यूज़ कर रही हूँ, निविया का सॉप कर रही हूँ, तो एक ने मुझे कमेंट किया था कि दी है ना आप खादी वाला जो सॉप आता है वो यूज़ करके देखना, बहुत अच्छा है। तो मैं अब वो ज़रूर मंगाऊंगी क्योंकि आप लोगों ने मुझे बोला है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आप कुछ चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हो, नई चीज़, तो आप लोग कमेंट में बताना कि वो अच्छी है और आपको रिज़ल्ट दिया है, तो मैं डेफिनेटली उसको बाय करके और अपने लिए यूज़ करूँगी, और फिर मैं भी आपको फीडबैक दूँगी उसके बारे में, है ना। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि देखिए हम लोगों का व्लॉग चैनल में यही है कि आप मुझसे कनेक्ट हैं, मैं आपसे कनेक्ट रहूं, एंड हम लोग अपने जो भी चीज़ें हैं, जो भी डेली लाइफ है उसमें जो कर रहे हैं, है ना, वो शेयर कर। अब मेरा तो आप लोग सब देख ही सकते हो वीडियो के थ्रू, लेकिन आप लोगों का मुझे नहीं पता चलता है ना, तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी उससे, है ना। तो अब जल्दी से चाय पीते हैं और इस व्लॉग को मैं अभी, तो आज तो थोड़ा सा चिट चैट व्लॉग ही है, कल से कुछ लेकर आऊँगी आपके लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ नया करेंगे, कुछ सीखेंगे। एंड आप लोगों में से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आपने जो वेडिंग में ड्रेसेस वियर की है रिसेप्शन पर, है ना, बारात में जो ड्रेसेस मैंने पहनी है उसका पूछ रहे हैं। तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ, वो ऑनलाइन मैंने नहीं ली है, एंड अगर कोई ऑनलाइन लेती है तो उसका लिंक मैं आपको दे सकती थी, बट वो मैंने ऑनलाइन नहीं ली कहीं से भी, है ना, क्योंकि ऑनलाइन में देखिए इतनी हैवी ड्रेसेस लेना पॉसिबल नहीं है। और आपको भी मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके घर में वेडिंग है या कुछ भी है तो आप ऑनलाइन पर बिल्कुल मत जाना। देखिए ऑनलाइन में दिखता कुछ और है, मतलब हैवी ड्रेस की बात कर रही हूँ, नॉर्मली नहीं, हैवी ड्रेस की बात कर रही हूँ, उसमें दिखता कुछ और है, और जब हमें रिसीव होती है ना तो उसके अंदर कुछ और ही आ जाता है, फिर इतनी हैवी ड्रेस को आप वापस रिटर्न करोगे बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमेशा अगर वेडिंग है घर में, शादी है, या आपको हैवी ड्रेस लेनी है, तो फिर आप जाइए सर्च करिए, मार्केट जाइए, बड़े बड़े शोरूम्स जाइए, वहाँ जाइए सर्च करिए, एंड जैसे आपको लेनी है वहाँ पर खुद देख के कपड़ा फैब्रिक देखिए, उस पर किस तरह का काम हो रखा है वो देखिए, एंड आप कैसी लेना चाहते हैं ना वहाँ जाकर, और साथ में ट्राई ऑन करके लीजिए। वहाँ पर ट्राई ऑन के लिए होता है अलग से, है ना, तो आप लोग वहाँ पर ट्राई ऑन करके देखिए कि आपको अच्छे से फिट आ रही है या नहीं आ रही है, फिर लीजिएगा। ऐसा नहीं पसंद आ गई लेकर आ गए घर आए तो वो अच्छे से फिट ही नहीं हो रही है, कुछ मिस्टेक है, फिर शॉप वाले ना लेते नहीं है, पता है। ये एक चीज़ मैंने बहुत ही नॉट वो की है, ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, सुनना आप लोग, जाना मत प्लीज़, है ना, कि मैंने अभी वेडिंग में जो भी मैंने मार्केट सर्च की है या मैं जहाँ भी शॉप पर गई हूँ ना, मुझे शॉप वालों की है ना बहुत गंदी लगती है। एक बात, जब भी आप शॉप पर चढ़ते हो तो वो आपको क्या पूछते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन होता है उनका, आपको कितनी तक की ड्रेस देखनी है,
मतलब कि कितनी तक, आप उनको प्राइस बता दो कि हमें इस प्राइस तक की ड्रेस देखें। ये मुझे क्वेश्चन इतना गंदा लगता है उन लोगों का। अगर आपकी शॉप पर कोई चढ़ा है, आपकी शॉप अगर अच्छी है ना, रेपोटेट है, या आपके यहाँ पर महंगे ही मिलते हैं, अगर कॉस्टली कपड़े ही मिलते हैं और आपकी शॉप पर कोई आया है, तो उसको इतना तो पता ही होगा ना कि आपके शॉप पर इतने महंगे कपड़े हैं, और वो अगर चढ़ा है तो वो मतलब इतना तो रखता होगा, उसके पास इतना तो होगा कि वो शॉप वो ड्रेस ले सके। तो ये क्वेश्चन मुझे हर शॉपकीपर का इतना बुरा लगता है ना कि ये वाली चीज़। एंड सेकंड मुझे ये भी बहुत बेकार लगती है कि उनको है ना, जब हम एक ड्रेस देखते हैं, दो देखते हैं, तीन देखते हैं, तो वो स्टार्टिंग में ना हमें सबसे घटिया ड्रेस दिखाते हैं। पता है उनकी शॉप में जो सबसे घटिया ड्रेस होगी ना, वो आपको सबसे पहले ओपन करेंगे। उसी वक्त अपना जो मूड है ना, वो ख़राब हो जाता है कि यार इतनी बेकार ड्रेस, और फिर धीरे धीरे जाकर लास्ट में जाकर वो अच्छी खोलते हैं। इससे टाइम वेस्ट भी होता है और ये भी होता है। तो हमेशा आप लोग लेने जाएँ ना, तो बस यही है कि शॉप वालों को आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी। एक तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि वो है ना, उनको तो ड्रेस बेचनी है, तो वो आपको है ना मतलब इतना ऐसा बोलते हैं ना कि बस आप ले ही लो, इतना कन्वेंस करने की वो ट्राई करते हैं, बट आपको जब तक 100% वो चीज़ पसंद नहीं आए ना, आप लोग बिल्कुल मत लेना, और क्योंकि ये लोग ऐसे ही होते हैं। एंड एक और चीज़ मैंने देखी है कि अगर उनके कहने पर हम ड्रेस ले भी लेते हैं ना, जैसे हमें भी पसंद आ रही है और वो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स करें कि आप ले लो, आपके ऊपर अच्छी लगेगी, ये लगेगी, वो तो 17 बातें बोलते हैं ना, तो अगर हम उनके कहने पर लेकर आ जाते हैं और घर लाने के बाद में हमें थोड़ा सा भी डाउट होता है, और अगर हम वापस जाते हैं ना चेंज करवाने, तो फिर आप उनका बिल्कुल वो मतलब उनका जो बिहेवियर है ना, वो एकदम चेंज हो जाता है। जब हम खरीदने जाते हैं, जब वो बड़े हंस हंस के बात करते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें रिटर्न करने जा रहे हैं उसको, मतलब चेंज करवाने जा रहे हैं, तो एकदम बिहेवियर उनका चेंज हो जाएगा। तो ये शॉपकीपर की मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब आदतें लगती है। अब उनका हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको एकदम अवेयर होकर जाना है। एक ही बार में परफेक्ट चीज़ लेकर आइए, उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं करना है ट्रस्ट। बस आपको पसंद आए तो ही लाइए, नहीं पसंद आए तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो मैंने की थी, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ है, धीरे धीरे ब्लॉग्स में शेयर करूँगी, ठीक है। अब देखिए आपसे बातें करते करते फिर से चाय ठंडी होगी। तो इस तरह से गाइस मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें समझाती रहूँगी, ठीक है। चलिए मैं चाय फिनिश कर लूँगी, अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, एंड बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे इस ब्लॉग में। आपको कमेंट में कमेंट कर देना आपको क्या क्या वीडियो चाहिए, आप क्या फेस कर रहे हैं, वो सब टॉपिक पर वीडियोस आएंगी। कोई भी टॉपिक को आप लोग बता देना, उस पर मैं देखूंगी और आपके लिए वीडियो लाऊंगी, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी है, अगर मेरी इसमें से एक भी बात आपको मतलब हेल्पफुल लगी है या आपको कुछ सीखने को मिला है मुझसे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना, और इस चैनल को सबको शेयर कर दीजिए, इस चैनल का लिंक, वीडियोस का लिंक, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहना, हेल्दी रहना, हंसते रहना और मुस्कुराते रहना, और वीडियोज़ देखते रहना मेरी, ठीक है। बाय।